मुझे ये उम्मीद है कि आपने अपने आप से ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 को पूछा होगा और उसका आंसर भी आपने फाइंड कर लिया होगा। आंसर हर किसी ट्रेडर के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है कि मुझे पैसा चाहिए। अब आपको पैसा चाहिए तो आपको अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए, क्योंकि अभी आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन गाइस, बहुत सारे की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। किसी के लिए 1 CR का कैपिटल भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए 100 CR का कैपिटल भी बड़ा नहीं होगा। बहुत सारे की बात को छोड़ के अपना एक फिक्स टारगेट बताइए। किसको? मुझे नहीं बताना है, अपने आप को बताइए। देखिए गाइस, होता क्या है, जब आपका एक फिक्स टारगेट होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक भी है जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है। जब आपका एक फिक्स टारगेट हो जाता है, किसी भी टारगेट को आप बिना किसी सोच संकोच के अगर एक्सेप्ट करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके आसपास की परिस्थिति तक को भी चेंज कर देता है। ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 2, शेयर मार्केट से कितना पैसा चाहिए। चलिए मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक बार एक चूहा बिल खोद रहा होता है, जब वो खोदते वक्त जो मिट्टी होती है उसको बाहर फेंकने आता है, तो देखता है कि एक बिल्ली उसको घूर रही है। बिल्ली ने पास आकर उससे पूछा कि मैं देख रही हूँ कब से तुम बिल खोदे जा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तुम मेरे से अभी सुरक्षित हो, फिर भी तुम बिल खोदे जा रहे हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कितना बिल खोदने वाले हो। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चूहे ने बोला कि मैं तेरे से बच सकता हूँ, मतलब मैं बिल्ली से तो बच सकता हूँ, लेकिन मुझे जब मेरे बिल में एक कोई सांप घुस आएगा तब मैं उसको कैसे चकमा देके कहीं और से निकल जाऊं, तब तक मैं बिल खोदूंगा। इसका मतलब समझिएगा इस कि एक चूहे को भी पता है कि उसको कितना बिल खोदना है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे शेयर मार्केट से कितना पैसा चाहिए कि जिस भी रीजन की वजह से मैं आज ट्रेडिंग करना चाहता हूँ वो रीजन कंप्लीट हो जाए। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 2 को। अपने आप से पूछना और इसका आंसर फाइंड करके मिलना मेरे से ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, और कंटिन्यू आपको इसी तरह से ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 24 की जो ये सीरीज है वो कम्प्लीटली आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।